हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। और आज के इस सेकंड पार्ट के वीडियो में हम बात करेंगे आंखों के लाल होने के कुछ अन्य कारण, जैसे आयरिस स्केलराइटिस, एपी स्केलराइटिस, इंडोथेलमाइटिस क्या है, इसे कैसे पहचाने, इसका इलाज कैसे करें और आंखों में चोट लगने पर क्या करें जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। और इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए आप वीडियो का पहला पार्ट भी जरूर देखिएगा, जिसमें हमने बात की है कंजक्टिवाइटिस, कॉर्नियल अल्सर, काला मोतिया यानी ग्लूकोमा क्या होता है, इसके लक्षण और इलाज क्या है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और आइए अब बात आरंभ करते हैं आज के विषय के बारे में कि आयरिस क्या है। आंख के कॉर्निया के पीछे आयरिस होती है और आयरिस में सूजन को आयराइटिस कहते हैं। आयराइटिस के बहुत से कारण होते हैं, जैसे टीबी, लेप्रोसी, सिफिलिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और कुछ मरीजों में तो कारण का पता ही नहीं लगता, पर इसके लक्षणों से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। और इन लक्षणों में शामिल है आंखों में दर्द होना, तेज रोशनी में चौंध लगना, देखने में दिक्कत होना, आंख के पास अंदर पस होना और आंख के अंदर खून आ जाना। तो ये तो हुई बात लक्षणों की, और अगर आपको ऐसे लक्षण है तो आपको इलाज क्या कराना है, आइए अब ये जानते हैं। आयरिस में खुद इलाज नहीं करना चाहिए, बिना समय गवाए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस बीमारी के दुष्प्रभाव से आंख में मोतियाबिंद या ग्लूकोमा हो सकता है, जो आंख की रोशनी के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं, एक बार आपकी आंख की रोशनी कम या चली गई तो इसे दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। इसी तरह आंख के लाल होने के अगले लक्षणों में शामिल है स्केलराइटिस, और यह क्या है आइए अब ये जानते हैं। स्केलराइटिस आंख की गंभीर बीमारी होती है। अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह बीमारी आंखों की रोशनी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आंख के सफेद हिस्से की कोई खास जगह अगर लाल हो जाती है, इसके अलावा रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसी जोड़ों की बीमारी वाले लोगों की आंखों में यह समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है। कुछ अन्य मरीज जैसे टीबी और कुष्ठ के मरीजों में भी यह बीमारी देखने को मिलती है। और इसके लक्षण क्या है आइए अब ये जानते हैं। आंख लाल रहना, कभी कभी एक खास जगह पर आंख लाल होती है। आंखों में दर्द रहना, दर्द आंख से जबड़े की तरफ भी जाता हुआ महसूस होना, आंखों से पानी आना और आंख की रोशनी कम होना इसके लक्षणों में शामिल है। और इसका इलाज क्या है आइए अब ये जानते हैं। स्केलराइटिस का इलाज खुद नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से मिलकर फौरन इलाज शुरू कर देना चाहिए। ऐसा ना करने पर इस बीमारी के दुष्प्रभाव जैसे कॉर्निया पर सूजन यानी कि रेटाइटिस, मोतियाबिंद या ग्लूकोमा होने की आशंका रहती है। और आइए अब जानते हैं एपी स्केलराइटिस क्या होती है। एपी स्केलराइटिस स्केलरा यानी आंख का सफेद वाला हिस्सा, इसके ऊपर पाए जाने वाले टेटनस कैप्सूल में सूजन की वजह से होती है। एपी स्केलराइटिस आमतौर पर जवान लोगों में देखने को मिलती है और महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। यह गाउट, सोराइसिस और टीबी के मरीजों में आमतौर पर देखने को मिलती है। और इसके लक्षणों में शामिल है जलन होना, चुभन होना और आंखों से पानी आना। और इसके इलाज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एपी स्केलराइटिस में खास इलाज की जरूरत होती है, इसलिए इसका इलाज खुद नहीं किया जा सकता। और आइए अब बात करते हैं कि इंडोफ्थेल्माइटिस क्या है। इंडोफ्थेल्माइटिस में आंख के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, आंख के इंटीरियर चेंबर में पस पड़ जाता है, जिसके कारण आंख लाल हो जाती है और उसमें तेज दर्द, सूजन आ जाती है और पानी आने लगता है, रोशनी भी कम हो जाती है। इस बीमारी के इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आंखों की रोशनी चले जाने का खतरा होता है। और अंत में बात आंखों के लाल होने के सबसे बड़े कारण, आंख में चोट लगने पर आपको क्या करना चाहिए। आंख में चोट लगने पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, जरा सी चोट किसी को अंधा बना सकती है। कई बार चोट लगने पर लक्षण सामान्य से ही होते हैं, जैसे आंख लाल होना, पानी आना, तेज दर्द इत्यादि। आंख में चोट लगने पर आंखों के डॉक्टर से आंखों की जांच करानी चाहिए। चोट लगने से आंखों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या कॉर्नियल अल्सर तक हो सकता है। इस वजह से आंख का पर्दा अपनी जगह से खिसक भी सकता है, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। आंखों में चोट लगने पर समय से आंख की जांच कराकर आपको इलाज कराना चाहिए। तो ये हैं ऐसे कुछ कारण जिनसे आपकी आंखें लाल होती हैं। और अगर आपकी आंखें लाल हो रही हैं, तो आपको लक्षणों पर ध्यान देके अपनी आंखों का सही इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आंख है तो जहान है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मैं हूं डॉक्टर सतीश पांडे। इस वीडियो से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।